1,96,000 से अभी राउंड बाकी है, अभी और जो है मात्र रोड बढ़ेगा और जिस प्रकार से हमने टेंडर दिया है बधाइयां बधाइयां सभी करदाल वासियों को सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ और बाकी हमारे को बधाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सभी भारत के सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं।
हल्ला हो रहा है, पूरा जश्न मना रहे हो क्या? जश्न का समय है, जश्न मनना भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से ढाई महीने से इतना संघर्ष किया, जिस रात एक भी गर्मी में भी और चुनाव की गर्मी जो आई है, हमारे यहाँ के जो लोकसभा वो भी भारी मतों से जीत रहे हैं। हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी अपना नए चयनित जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो भी भारी मतों से यहाँ से जीत कर जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं, नायब सैनी भी 30,000 वोटों से आगे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये मार्जिन और बढ़ेगा, अभी कुछ गिनती बाकी है, जैसे जैसे गिनती पूरी होगी मार्जिन वैसे ही बढ़ेगा। मैं उन दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, चाहे भारत बंदा पर दबाव भी था, मनोहर लाल खट्टर जी 5 मिनट में आप लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं। एक बार से मुझे प्रार्थना, आप अपना स्थान पीछे कुर्सियों पर ग्रहण करें। सभी से प्रार्थना, अपना स्थान कुर्सियों पर ग्रहण कर ले। मेरी गुलाब जी से भी प्रार्थना, करमवीर जी से भी प्रार्थना, वो भी अपना कुर्सियों पर आगे पंक्ति, आगे वाली पंक्ति कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी जैसे भी अपने पीछे या साइड में जो कुर्सी लगी है, पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। कोई भी किस प्रकार की किस प्रकार की जीत रही है? बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। हमारे बीच में सभी पार्टियों भी किया, लोगों ने कुछ विपरीत परिस्थितियां थी, उसके बावजूद भी माननीय मनोहर लाल जी 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, और ये लीड जो है और ज्यादा बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री जी भी एक तरफा जीते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी भी पहले कितने जो मनोहर लाल जी को वोट मिले थे, वही आंकड़ा इनको भी मिलने वाला है, और लगभग 40,000 वोटों से हरियाणा में लगता है तो 2-3 सीटों पर जो नुकसान होगा। हाँ, नुकसान हुआ है कुछ, 2-3 सीटें तो, 2 सीटें तो जा ही रही है, बाकी मुकाबला कांटेदार है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सरकार बनी है भाजपा की, सरकार भाजपा की बनेगी, सीटें 2-4-10 कभी समीकरण ऐसे बन जाते हैं, जातीय समीकरण। तीसरी बार है क्या आपकी बार ये इतिहास में नेहरू जी के बाद तीसरी बार मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे। ये कारनामा ना इंदिरा गांधी से हुआ, ना मनमोहन सिंह से हुआ, ना राजीव गांधी से हुआ। और ये एक ऐसा व्यक्तित्व है मोदी जी का, जिसमें ये इन हालातों में, इस दौर में मीडिया का युग है और सोशल मीडिया का युग है, आज हर आदमी जागरूक है। नेहरू जी के समय में इतने लोग जागरूक नहीं थे, ना ही खबरें आती थी। एक तरफा वोट डालने थे भी कांग्रेस ने हमें आजादी दिलवाई, और बार बार उन्हीं को रिपीट करते रहे। लेकिन अब इस सोशल मीडिया के और मीडिया के युग में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधानसभा इलेक्शन नजदीक है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, और तीसरी बार यहाँ विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सर क्या कहेंगे, आज काफी बड़ी जीत हुई है? आज की जीत ये कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की जीत है, और मनोहर लाल जी करनाल से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। इसी प्रकार हमारे नायब सैनी जी भी यहाँ से लगभग 45,000 से ज्यादा मार्जिन से करनाल एक बार फिर सीएमसीटी बन गया है। करनाल एक बार सीएमसीटी बन गया है, और ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को करनाल के इसके लिए बधाई देता हूँ, और करनाल की जनता भी इसके लिए विशेष रूप से बधाई की पात्र है, जिन्होंने भाजपा की लोकसभा भी और विधानसभा में दोबारा से जीत दर्ज की। और देख सकते हैं इसमें लगातार ये तस्वीरें, और सभी जो है सेलिब्रेशन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जीत पर और सीएम नायब सैनी की जीत पर जो है इस समय ये प्रोग्राम चलता हुआ बने रहिएगा, और जुड़ रहेगा, शेयर।